हेलो दोस्तों, तो देखिए ये सस्ता ब्रिगस पहाड़ पर चढ़ता हुआ यहाँ पर कुछ मिला है तुम्हें खाने के लिए क्या? अभी कुछ नहीं मिला है हमें खाने के लिए। चल हेलो दोस्तों, तो आज हम आए हैं झांसी की सबसे ऊंचा पहाड़ ध्यानचंद मूर्ति की तरफ और चलते हैं फिर ऊपर की ओर, दिखाते हैं आपको ऊपर का नज़ारा। तो दोस्तों, तो जाते हैं धीरे धीरे ऊपर की तरफ, बहुत ही ऊंचाई है यहाँ पे, तो जा रहे हैं धीरे पर ऊपर जाके नज़ारा दिखाते हैं। तो गाइस, हम धीरे धीरे जा रहे हैं ऊपर की ओर। देखिए यहाँ का नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है। तो आप देख सकते हो बहुत ही यहाँ पर ऊंचाई है और मेरा दोस्त जा रहा है रनिंग करते। देखिए मेरा दोस्त जा रहा है अभी सिर्फ रनिंग करते हुए, कैसे चलते हुए, और दिखाते हैं आपको ऊपर जाके कितनी हाइट है यहाँ की। झांसी में सबसे ऊंचा पहाड़ है यहाँ पे, शक्ल दिखा। देखिए दोस्त और तेज। देखिए गाइस, हम आते अभी तो आधा ऊपर आए हैं, अभी और ऊपर जाके दिखाते हैं गाइस। धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं, देखिए अभी और चाहिए गाइस। तो अभी आधी ऊंचाई भी नहीं आया, तो फिर भी देखो हम थक गए हैं। धीरे धीरे चलते हुए हम लोग और मौसम का एंजॉय करते हुए। देखिए तो मुझे तो अब सांस फूलने लगी है चलते चलते गाइस। तो जा रहे हैं धीरे धीरे, मेरा दोस्त भी थक गया है देखो, और पीछे का नज़ारा देख सकते हो कितनी ऊंचाई पे है। तो गाइस हम फाइनली आ चुके हैं, देखिए पहाड़ के ऊपर, दिखाते हैं ध्यानचंद की मूर्ति। यार ध्यानचंद जी की प्रतिमा बनी हुई है अद्भुत। चलिए फिर चलते हैं ऊपर की। तो गाइस, अगर आपको यहाँ घूमना चाहते हो और आना चाहते हो फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ, तो ये है स्थित है सीपरी में खाती बाबा रोड पर। तो आप आ सकते हो यहाँ घूमने के लिए और यहाँ की हवा और ताजी हवाओं को एंजॉय कर सकते हो। यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर है, आपको दिखाते हैं हम। चलो गाइस, तो आप पीछे वो पहाड़ दिख रहे हो ऊपर पत्थर की ओर, तो वहाँ हम सबसे ऊपर आपको जाके दिखाएंगे और फिर ऊपर से आपको दिखाते हैं नज़ारा कितना सुंदर लगता है। चलिए तो फिर चलते हैं ऊपर गाइस। मेरा दोस्त ऊपर की ओर जाता हुआ, तो फोन तो हम अभी रख लेंगे, ऊपर से नज़ारा दिखा देंगे। फोन गिरने का डर है यहाँ पे, वेरी डेंजरस जगह है यहाँ पे। यहाँ पर ये पहुंच नदी दिखाई दे रही है, यहाँ से ऊपर चढ़ने के लिए हमें रास्ता खोजना पड़ेगा। ये हमारा बियर गेस्ट, देखिए आलू भुजिया मिली है भाई को। गाइस हम फाइनली ऊपर आ चुके हैं, आप देख सकते हो यहाँ से ऊपर से जन्नत ही जन्नत है। ऊपर का नजारा देखिए आप, ओनली हवा ही हवा चल रही है यहाँ, कितना सुंदर लग रहा है गाइस। लेकिन डर भी बहुत लग रहा है यहाँ ऊंचाई पे, बहुत ज़्यादा ऊंचाई है यहाँ पे गाइस। तो मुझे इसकी ऊंचाई का तो पता नहीं कितनी ऊंचाई है, अभी मेरा दोस्त देखिए गूगल पर सर्च कर रहा है, फिर आपको बताएगा लगभग कितनी ऊंचाई है यहाँ की। यहाँ पे बादल देखिए कितने ज़बरदस्त बादल हो गए हैं, बहुत ही अच्छा मौसम हो गया है गाइस। देखिए नाइट होने जा रही है, रात होने जा रही है गाइस, दिखाते हैं धीरे धीरे नज़ारा। तो गाइस मैं और मेरा दोस्त आया झांसी के सबसे ऊंचे पहाड़ मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा देखने के लिए। तो आपको हम दिखाते हैं यहाँ का सबसे खूबसूरत नज़ारा, तो चलिए आपको दिखाते हैं गाइस। आप देख सकते हैं कितना ऊंचा है यहाँ पे नज़ारा, देखिए अब गाइस कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ की आपको ऊंचाई दिखा देते हैं गाइस, कितनी ऊंचाई है देखिए। तो गाइस मेरे पीछे यहाँ कुछ नहीं है, ओनली खाई है और घर बने हुए हैं देखिए। और यहाँ पे आपको जो नदी दिख रही है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, यह पहुँच नदी है, यह सीपरी में स्थित है, सीपरी रक्षा रोड पे स्थित है। आज हम आए हैं झांसी में स्थित सबसे ऊंचाई पर स्थित मेजर ध्यानचंद जी के स्टैचू को देखने, और यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी
ऊंचाई है और यहाँ पर पूरे झांसी का नज़ारा देख सकते हैं। और इस जगह का नाम है जार का पहाड़, जो कि झांसी में सीपरी बाजार और आरकन्या इंटर कॉलेज के आगे स्थित है। और आप आइए, एक बार ज़रूर आइए यहाँ पर घूमने और आप यहाँ का नज़ारा देखकर ही खुश हो जाएंगे। यहाँ का बहुत अच्छा मौसम है, देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए आप हमारे पीछे भी देख सकते हैं, मैं और मेरा दोस्त साथ में आए हैं। देखिए आप पीछे का नज़ारा, पूरे सबसे ज़्यादा ऊंचाई है झांसी में, समझ सकते हो आप गाइस। मुझे ऊंचाई का तो पता नहीं, लेकिन आप कमेंट में ज़रूर करके बताएं कितनी ऊंचाई होगी, लेकिन मेरे समथिंग तो 5-10 हज़ार तो होना ही चाहिए ऊंचाई। और आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कितनी ऊंचाई है, यहाँ से पूरी झांसी दिख जाती है समझ लो। आपको दिखाते हैं यहाँ सबसे ऊंचाई पे और सब यहाँ पे दिखेगा आपको, दिखाते देख सकते हो दूर दूर तक यहाँ पूरा नज़ारा दिख रहा है समझ लो। तो मैं तो मानता हूँ झांसी की, यहाँ झांसी में जो पहाड़ है ये जार का पहाड़, मेजर ध्यानचंद की मूर्ति, माउंट एवरेस्ट, यहाँ झांसी का माउंट है, झांसी का माउंट एवरेस्ट बोला जाता है इसे। देखिए यहाँ पर बहुत ही लोग एंजॉय करने, पार्टी करने के लिए आते हैं, आप भी आ सकते हो गैस एंजॉय करने के लिए। अब गैस रात हो चुकी तो हम जाते हैं घर की ओर। गैस तो आप देख रहे हो धीमे धीमे अंधेरा होने जा रहा है, तो गैस हम लोग जा रहे हैं घर की ओर। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें वीडियो को। तो गैस हम जा रहे हैं हम नीचे की तरफ, तो आपको दिख रहा होगा अंधेरा हो चुका है, तो धीमे धीमे जाते हैं हम घर की ओर। देखिए गैस तो पता ही नहीं चल रहा कहाँ से आए थे, कहाँ जाना है हमें। जा रहे हैं धीरे धीरे, भटकना यार, डर लग रहा है मेरे दोस्त को यहाँ पे। गैस गैस तो अंधेरा हो चुका है, तो आप देख सकते हो मेजर ध्यानचंद जी की मूर्ति के बिल्कुल करीब आ चुके हैं। गैस तो हम धीरे धीरे घर की ओर जा रहे हैं, और उतरने में पूरी हालत ख़राब हो चुकी है गैस हम लोगों की, बहुत भयंकर पैर दर्द होने लगे हैं गैस चलते चलते। क्या गैस आप जा रहे हैं हम घर की ओर, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आती रहेंगी, बस आप लोग अपना सहयोग देते रहिए गैस।